हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, हेलो, हेलो। तुम कब सुधरोगे? फिर से गीला टॉवल तुम बेड पे छोड़ के आ गए? फ्रिज में रख के आता मैं। बिल्कुल अकल नहीं है इस आदमी में, क्या करूं मैं इसका? बिल्कुल नहीं है। अकल होती तो मैं शादी करता इससे। अरे हमारे घर में इतनी बड़ी आज गेस्ट आए। हेलो माय सेल्फ बिंदु, अच्छे से इंट्रोड्यूस तो करवाओ। जैसे आप खाना पकाने में एक्सपर्ट हैं, वैसे इस जमाने को पकाने में एक्सपर्ट है। अभी शुरू करेगी ये कुकिंग अपनी। एक्सक्यूज मी, नहीं नहीं, मैं अच्छे से खाना बनाती हूँ। माय सेल्फ बिंदु, हेलो सो, हेलो हाय, हेलो हेलो जी। बैठिए बैठिए, ये तो आती रहती है, आप बैठिए। नहीं नहीं, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। ये वैसे तो उंगलियां चाटता है, लेकिन अभी ऐसे बोल रहे हैं। एक्चुअली किचन की दुनिया में ना मुझे भी गरीब अरोड़ा बोलते हैं। अरे किचन की दुनिया छोड़, तू पहले उस दुनिया से बाहर आओ। किस दुनिया से? वहम की दुनिया से। बढ़िया ही। वो कहाँ पेरिस से शिक्षा लेके आई, तू मलाड़ से रिक्शा लेके आई, तो कहाँ तुम्हारा मेल जोल है भाई? मैं अगर तुमसे शादी नहीं करती ना, आज मैं भी अब्रॉड जाती हूँ पढ़ाई करने। ऑक्सफोर्ड से मुझे स्कॉलरशिप की ऑफर आई थी। 10वीं तूने नकल मार के पास की है। इतनी नकलची है ना, सामने लड़का बैठा है इसके आगे, इसने फीस माफी की एप्लीकेशन पूरी की पूरी चेप दी उतार के, यहाँ तक कि नाम भी लिख दिया, आपका आज्ञाकारी रमेश सोलंकी। देख लो, स्कूल में ना टॉपर थी मैं, यू नो स्कूल में वो हॉल ऑफ फेम होता है, होता है, मेरी फोटो लगी है वहाँ पे। तेरी वॉल ऑफ शेम पे लगी हुई है। नीचे उन्होंने गिल्ट नोट लिखा प्रिंसिपल ने कि ये हमसे गलती होगी, अब इसके पश्चाताप में हर साल 10 विद्यार्थी मुफ्त पढ़ाए जाएंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। यार तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तेरे से बात करके तो मेरी टीआरपी ऊपर चलेगी ना। आगे बड़ी करने क्या आई इधर आप? अरे यहाँ पे आज हमारे घर में पहली बार इतने बड़े बड़े शेफ्स हैं। तुम्हें पता है दुनिया की सारे औरतें से मिलना चाहती हैं, सारी बीवियाँ, सारी माएं, मतलब नहीं, बट सीरियसली आई हैव टू से दिस, आप लोगों के चक्कर में ना हमारे खाने में भी जायका आ गया है। ये तो है, आपके वजह से ही आया, आपकी वजह से हमारे घर का जो खाना है उसमें जायका आ गया, और उस जायके की वजह से इसका पूरा मायका आ गया है। एक साल हो गया ये लोग जान ही रहे, ये इसके जो डिसरिस्पेक्टेड मम्मी पापा हैं, एक साल से रुके हुए इधर। डिसरिस्पेक्टेड क्या होता है? हरकतें ही ऐसी उनकी, मैं क्या करूं? उस दिन इसके पिताजी हल्दी खा रहे थे, वो मैं बता क्या? हल्दी इज गुड फॉर हेल्थ। तो खरीद के खाओ ना, किसी दूल्हे की हल्दी रसम हो रही थी, उसकी पीठ चाट रहा था। शर्म नहीं आती इन लोगों को? खबरदार, तुमने मम्मी पापा के बारे में कुछ बोला तो बस। मम्मी के बारे में तो मैंने कहा ही कुछ नहीं अभी। पाजी ढूंढ ढूंढ के जूस वाली दुकान जाके बेहोश हो जाती है ताकि कोई जूस पिला दे। एक बार बेहोश हो गई, एक आदमी कहता है माताजी को घर छोड़ाओ, एक कहता है माताजी को पानी पिलाओ, एक कहता है माताजी को जूस पिलाओ, माताजी खड़ी हुई कहती कोई इसकी भी सुन लो जो जूस की बात कर रहा है। बहुत खराब करते ये काम। अरे यहाँ पे ना सिर्फ बातें बनाते रहता है। सोनी भी इतना बड़ा कुकिंग का शो आ रहा है, तुम्हारी तो सोनी साहब से जान पहचान भी है, ये नहीं कि अपनी बीवी की एंट्री करवा दो शो में। आप ले जाओ पाजी, क्योंकि हमारे शो में तो फॉर्मेट है नहीं, वहां जाके इसको इलिमिनेट करो आप। सुनो, तुम ज्यादा हवा में उड़ो मत, रोटी में भली गोल बनाती हूँ लेकिन पति को सीधा करना आता है मुझे। मतलब ये नहीं कि कभी मुझे इनके रेस्टोरेंट्स में लेके जाए। उन्होंने ऑलरेडी सफाई वाले रखे हुए हैं। मैं खाना खिलाने की बात कर रही हूँ, सफाई की नहीं। ये देखो आ गई शिमला मिर्च। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, मुझे पता था बड़े बड़े लोग आए हैं, इसीलिए तो टिफिन लाई हूँ, ये लीजिए। मम्मी आप इनके लिए खाना बना कर लाई है? मैं क्यों बनाऊंगी, चेफ तो ये है, ये बना के डालेंगे। पर मानना पड़ेगा बड़े इनोवेटिव है, भीख मांगने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। देखा तैयार व्यार होकर टिफिन ला के रख दिया। मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। जैसे आपके पास खाने बनाने के अलग अलग तरीके हैं, इनके पास मांगने के अलग अलग तरीके तो हैं ही, और खाने के नाम पे तो मतलब एक जगह लिखा ना दवा खाना, ये खाना पढ़ के अंदर घुस गई। इरादे की इतनी पक्की, 3 एक्सरे खा के बाहर निकली है ये। हाँ वो क्या है ना विकास जी, उस दिन ना मुझे नॉन वेज की क्रेविंग हो रही थी, तो एक्सरे की हड्डियां देख के ना मुझसे रुका ही नहीं गया। रुका तो इनके पति से भी नहीं जाता, 9 बच्चे इनके। मतलब क्या आपके सास ससुर के बारे में बोलते रहते हो, कुछ भी शर्म तो क्या करो। हेलो बिंदु, खबरदार जो दामाद जी को कुछ कहा,
अरे ये कह लें दे, ये ताना देते हैं तो खाना भी तो यही देते हैं, है कि नहीं? है नहीं कि बेशरम पूरे आगे गुल्लक जैसा मुंह लेके। अरे तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? इतने बड़े बड़े चेफ आए हैं, तू खाना बनाना सीखना इनसे। मम्मी मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ। ठीक ठाक बना लेती। अरे अगर तू अगर तू अच्छा खाना बनाती तो तेरा पति तुझसे खुश ना होता। हाँ इसी, हाँ बता क्या हो गया? माँ बेटी दोनों मिलके दो पेज याद करके नहीं आई। नहीं नहीं 25 बार इनको क्यों भूल जाते हैं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गरीब आदमी 10 साल से पूरे शो की स्क्रिप्ट याद करके आता है। क्या है? है? यार होने में 6 घंटे लगाती हैं, स्टेज पे 6 मिनट नहीं निकलते। पोजीशन भी चेंज हो गई ना, इसलिए फिर से पीछे लेती हूँ। मेरे को बोला था उधर आना है। आप लगे रहो, कोई बात नहीं। हेलो खबरदार बिंदु, जो तूने दामाद जी को कुछ कहा तो? हाँ नहीं तो? अरे वो ताना देते हैं तो खाना भी तो वही देते हैं। ये तो दो पेज पीछे चली गई। नहीं 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 मम्मी मैं ठीक ठाक अच्छे से खाना बना लेती हूँ। यहीं से लेती हूँ फ्लो में, पीछे से नहीं। ओह दिस इज टू मच मैन। हाँ अनबीटेबल। ओहो खबरदार बिंदु, जो तूने दामाद जी को कुछ कहा तो? हाँ नहीं तो? अरे दामाद जी ताना देते हैं तो क्या हुआ, खाना भी तो यही देते हैं। तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? हाँ इतने बड़े बड़े चेफ आए हैं, इनसे कुछ खाना बनाना तो सीख। मम्मी मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ। ओ बना लेती हूँ, अगर तू अच्छा खाना बनाती तो तेरा पति तुझसे खुश ना होता। हाँ पता है गरिमा जी, इसका बनाया हुआ खाना लेके मैं गाय के पास गई ना, वैसे तो गाय कहती है ओ, इसका खाना देखते ही बोली नो। इतना ही है तो 3 टाइम का खाना क्यों खाती है मेरे ससुराल में, वो भी मेरे हाथ का बना हुआ? अरे क्या है ना, गाय को तो खाना दूसरे लोग भी दे देंगे, हमें दामाद जी के अलावा कौन खाने को देगा? हाँ नहीं तो? अरे भगवान, ये तौलिया लेके तू क्यों खड़ी है? और तेरे डैडी जी अब तक नहा चुके होंगे, जाके तौलिया दे दे। ये इनका टॉवल है मम्मी। तो कच्चा बनियान भी तो इन्हीं के पहनते हैं वो। बात कर रही है। देखा आप इनकी हरकतें? हाँ और अगर वो अपना तौलिया यूज करेंगे तो हमारे प्यारे दामाद जी बुरा ना मान जाएंगे। हाँ? आप लोग इतना अच्छा खाना बनाते हो कि मजा आ जाता है। कोई ऐसा खाना बना सकते हैं जिसको खा के इनको शर्म आ जाए और ये मेरा घर छोड़ के चले जाए ये लोग? करवा दी ना मेरी बेइज्जती सबके सामने फिर से, मतलब क्यों क्यों कर? सॉरी मेरी मम्मी थोड़ी सी ऐसी। सॉरी मेरी बेटी पूरी ऐसी है। मम्मी अंदर चलो तुम, अब भी अंदर चलो तुम। अच्छा तुम, चल तुम हो गया, तुम अंदर चलो। आ रही हूं। तुम नहीं, तुम अंदर चलो, अभी बहुत हो गया तुम्हारा, चलो अंदर चलो। डिक्की में रख देती हूं, अंदर चलो तुम। गाड़ी में, गाड़ी में अंदर चलो तुम। विकास पाजी मैं ना पिछले साल कनाडा गया, आपको पता कनाडा में सबके वो लगा रहता है अलार्म जी। वो अलार्म बनाए अंग्रेजों ने अपने हिसाब से, परांठे के लिए नहीं। हाँ पराठे में तड़के के लिए वो बने नहीं है, वो पास्ता वास्ता बनता धुआं निकलता नहीं। हमारे पहले पराठे में हमारा अलार्म बज जाता था। सारी मतलब कुछ ना कुछ तो हमेशा हमें फिर वो बंद करना पड़ता था अलार्म ना। मैं आपको बता दूं, फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा के लिए व्हाइट हाउस में कुकिंग कर चुके हैं विकास भाई। तो जब आप वहां पे कुकिंग कर रहे, आपको टेंशन नहीं हुई कि अगर कुकर की सीटी बज गई और हल्दी की पेंटिंग बन गई व्हाइट हाउस में तो कहीं मैं पकड़ा ही ना जाऊं? आपने वहां पे उनके लिए इंडियन बनाया था कि वहां का कुछ बनाया था? एक वहां पे इवेंट किया था हमने जो लंच और डिनर बना रहा था। अच्छा जी। तो लंच तो पूरा हमने किया था वेजिटेरियन, सात्विक मील। अच्छा जी। नो लसन नो अनियंस, लाइक आई वांटेड टू पुश दैट। वाओ एम आई राइट? 2011 से पहले हमने कभी नहीं सुना था किसी ने मेन स्ट्रीम में इंडियन वेजिटेरियन खाने की बात की हो। गोरों का क्या होता है कि वेजिटेरियन जो है साइड डिश है। एक सिर्फ हिंदुस्तानी खाने में सब्जियों को इतनी तरह से पकाया जाता है, इतनी वैरायटी, इतना सब कुछ है। तो आई वांट टू शो केस दैट। पर कुकर की सीटी वगैरह कुछ नहीं होता, हमने खाना बना के वी वर अलाउड टू ब्रिंग इट इनसाइड। मुझे ना एक विकास पाजी की एक इंटरव्यू हो रहा था किसी इंग्लिश चैनल पे और उन्होंने बोला कोविड के दिनों में इन लोगों ने अपनी तरफ से, विकास भाई ने वो शुरू किया था कि
लोगों के घरों में खाना पहुंचाना, जरूरतमंद जो नहीं, तो उन्होंने बड़ा इंप्रेस हुए, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया, तो बोले आपने ये जो गरीबों को खाना खिलाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंडिया से? बोलते नहीं, इंडिया में तो हमारे कोई भूखा सोता नहीं, हमारे हर जगह गुरुद्वारा साहब है, लंगर लग रहे हैं लोग, ये बोलते मुझे ये इंस्पिरेशन न्यूयॉर्क से मिली। आपका जो हाजिर जवाबी थी ना, बड़ी मजेदार थी, पर आपने दिल से कहा था। वो क्या होता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू होती है, तो अब मैं इंग्लिश में लड़ नहीं सकता, मैं पंजाबी में लड़ सकता हूँ। अब वो इंग्लिश में बोल ले। अब रात के 4 बजे थे न्यूयॉर्क में, वो लाइव लंदन में इंटरव्यू था, तो उन्होंने कहा कि इतनी गरीबों में आप खाना बांट रहे हो, कोई 80 मिलियन मील्स के करीब हमारे हो चुके वाह फीड इंडिया में। तो उसने कहा कि आपको तो भूख की समझ होगी क्योंकि आप इंडिया से आते हो। ओह माय गॉड। तो फिर मैंने सेहान से बोला, मैं कहा जी मैं मानता हूँ गरीबी है, भूख है, आपके देश में भूख नहीं है? मैंने कहा ये सवाल था, न्यूयॉर्क में इतनी भूख है आप सोच भी नहीं सकते। पर मैंने कहा कि मुझे भूख का एहसास हुआ अमृतसर में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे गुरुद्वारों के दरवाजे खुले हैं। वाह। तो मैंने लड़के नहीं बोला, मैंने मैटर ऑफ फैक्ट बताया, क्योंकि ना मुझे लगा बीच रास्ते मेरी इंग्लिश खत्म ना आ जाए। तो मैंने कहा फॉर मी आई रियलाइज भूख के बारे में न्यूयॉर्क में, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था छोटे छोटे लेवल पे, तो कोई देखता भी नहीं था। सो आई फेल्ट कि वहाँ पे कंपैशन मुझे नजर नहीं आया, जो ज्यादा बड़ी भूख से बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो मैंने बोला था। गरिमा, आपका हमने सुना बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है गा, तो आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आपको लगता है उसका नाम खा होना चाहिए था? अगर मेरा नाम खरीमा होता तो शायद हो जाता, इट्स गरिमा अरोरा, तो गा। गरिमा अरोरा, ओके वाओ, सो प्राउड ऑफ यू गरिमा। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शेफ बनने से पहले गरिमा जो है ये जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। आपको क्या लगता है ज्यादा मसाला किस में बढ़ता है, खाने में या खबरों में? ऑब्वियसली नहीं, वो आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट मे बी अ लिटिल बिट मोर, उतना मैं नहीं हैंडल कर सकती थी, किचन का मैं हैंडल कर लेती हूं, मैं कम मसाला होता है, कम मसाला होता है, तो मसाले लेके लोग घूम रहे हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.